आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्ची दाबेली, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दाबेली बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका एक मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे, 5 से 6 काली मिर्च डालेंगे और 3 से 4 लौंग और लास्ट में हम 1 चम्मच जितना ड्राई कोकोनट डालेंगे। अभी हम उसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे उसको रोस्ट कर लिया है। अभी हम उसको एक मिक्सचर जार में निकाल लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच जितना गरम मसाला डाल के उसकी एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला रेडी हो गया है। अभी हम चलते हैं आलू मसाला बनाने की ओर। तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें हम 2 चम्मच जितना तेल डाल लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे 3 उबले हुए आलू को मैंने मैश कर लिया है, वो हम डाल देंगे। और इसके बाद हमने जो मसाला प्रिपेयर किया है वो हम 2 चम्मच जितना डाल देंगे और उसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। मुझे यहाँ पे थोड़ा मसाला कम लग रहा है तो मैं और 2 चम्मच जितना डाल रही हूँ और इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये जो हमारा मसाला है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच जितना नींबू का रस डालेंगे, 2 से 2.5 चम्मच जितनी चीनी डाल देंगे और उसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हम डालेंगे 2 चम्मच जितनी इमली की चटनी डालेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच जितना नमक डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच जितना थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालेंगे और उसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा आलू मसाला बिल्कुल भी रेडी है। अभी हम उसको ऐसे ही ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो जाता है तब तक हम लहसुन की चटनी बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 8 से 10 किलो लहसुन डाली है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच जितना मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच जितना चीनी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा जीरा और लास्ट में हम 1 चम्मच जितना नींबू का रस डाल के और थोड़ा 1/2 ग्लास जितना पानी डाल के उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिए है। आप देख रहे हैं कि लहसुन की चटनी हमारी बिल्कुल भी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा आलू का मसाला भी ठंडा हो गया है। तो अभी हम उसमें थोड़ा सा ड्राई कोकोनट डालेंगे। उसके बाद में हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, उसके बाद थोड़ी सी सेव डाल देंगे और लास्ट में हम डालेंगे थोड़े से अनार के दाने और थोड़ी सी मसाला मूंगफली। उसके बाद हम उसको ऐसे थोड़े सा प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आलू का मसाला जो है वो स्टफिंग के लिए रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक बन लेंगे, उसको ऐसे कट कर लेंगे और दोनों साइड से हम ऐसे चटनी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक साइड पे लहसुन की चटनी लगा दी है और दूसरी साइड हम ग्रीन चटनी को लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो मैंने यहाँ पे प्याज और हरे धनिया को कट कर लिया है, वो हम डाल देंगे, थोड़ी सी मसाला मूंगफली डालेंगे और लास्ट में हम आलू का मसाला स्टफ करेंगे। तो बस अभी हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी मूंगफली और लास्ट में आलू का मसाला। तो बस मैंने यहाँ पे आलू मसाला स्टफ कर लिया है। अभी हम उसको थोड़े से सेव में ऐसे डिप कर लेंगे, थोड़े से अनार के दाने लगा देंगे। तो ये हमारी दाबेली टोस्ट करने के लिए रेडी हो गई है। तो टोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक तवा लिया है, उसमें हम डालेंगे बटर या घी। उसके बाद हम डालेंगे ये दाबेली और उसको हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से टोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड पे टोस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी दाबेली जो है वो रेडी हो गई है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एंजॉय।